देखो जिस प्रकार दिखा रहा है दोस्तों 0.4 मीटर, ये जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, ये रेंज दिखा रहा है इसका कुछ इस प्रकार से अभी। तो भाई अपने बम्पर पे पूरी तरीके से 4 होल कर लिए अपन ने, जैसे कि देख सकते हो आप। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से पहला सेंसर लग चुका है अपना, जैसे कि देख सकते हो आप। तो ये कुछ इस प्रकार से वायरिंग है दोस्तों अपने 4 सेंसर की, मतलब दोस्तों अपनी सेंसर की वायरिंग हो चुकी है, अभी खाली डिस्प्ले की वायरिंग करना बाकी है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए सेंसर बी सेंसर के वायर आप उसके जगह ही लगाइएगा, ताकि दोस्तों अपने सारे सेंसर प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये है दोस्तों अपना कार पार्किंग सेंसर, इसके अनबॉक्सिंग तो आपने देखे ही होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में अपन इसका इंस्टॉलेशन करने वाले हैं अपनी कार में, जो कि दोस्तों ग्रैंड आई10 है। चले दोस्तों वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो वही अपन आ चुके हैं, अभी अपना काम स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि देख सकते हो आप। अभी ये पहला होल किया है दोस्तों अपन ने बम्पर पे, जो कि इस पे सेंसर लग जाएगा। और इसका दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका होल का जो टुकड़ा है, जैसे कि देख सकते हो आप। तो दोस्तों अभी इसी तरीके से पूरा मेजरमेंट करके अपन ड्रिल कर लेते हैं, जैसे कि अपन को 4 ड्रिल करना होगा, मतलब 4 होल करना होगा बम्पर पे, वो कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो भाई अपने बम्पर पे पूरी तरीके से 4 होल कर लिए अपन ने, जैसे कि देख सकते हो आप। अभी दोस्तों अपना भाई जो ये बम्पर का जो होल है उसे लेवल में ला रहा है, मतलब दोस्तों इसमें जो कटिंग है वो प्रॉपर तरीके से कर रहा है, जैसे कि देख सकते हो आप। अभी दोस्तों ये होने के बाद अपने को सेंसर इसमें डालना होगा, तो पहले ये करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो भाई सेंसर डालने से पहले अभी अपने को पीछे वाला जो टेल लाइट है वो खोल लेना है। तो जैसे कि दोस्तों अपन ने टेल लाइट खोल लिया है, तो एक बार आपको इधर साइड से दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से अपना दोस्तों पहले से ही वायर यहाँ पे कट किया था, मतलब दोस्तों जो हॉर्न लगाया था दोस्तों अपन ने, वहाँ से थोड़ा सा वायर कट किया था अपन ने। तो अपन इसी में ही अब सेंसर का वायर जोड़ने वाले है, मतलब जो सेंसर का रिवर्स वायर है वो इसी में जोड़ने वाले है। तो दोस्तों ये जो सेंसर का रिवर्स वायर होता है, ये आप एक तो यहाँ से जोड़ सकते हो, या तो दोस्तों कपलर से जोड़ सकते हो। अगर दोस्तों आपके कार में यहाँ से कोई भी तरीके का कट नहीं है, तो आप डेफिनेटली दोस्तों सॉकेट से जोड़िएगा। तो हमारे केस में दोस्तों यहाँ पे कट है, तो हम यहाँ से जोड़ने वाले हैं। तो चले दोस्तों अभी इसकी वायरिंग करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से पहला सेंसर लग चुका है अपना, जैसे कि देख सकते हो आप। तो अभी इसी तरीके से दोस्तों अपन सभी सेंसर लगा लेंगे। तो भाइयों ये तीनों भी सेंसर लग चुके हैं अपने, जैसे कि देख सकते हो आप। अभी यहाँ से दोस्तों अपन ने वायरिंग भी यहाँ तक के ला लिए। तो ये कुछ इस प्रकार से वायरिंग है दोस्तों अपनी, ये साइड के 3 सेंसर की वायरिंग है, अभी 1 सेंसर डालना बाकी है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं ये सेंसर, ये कुछ इस प्रकार से लग चुका है। तो चलिए दोस्तों अभी 1 सेंसर डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ लग चुके हैं दोस्तों अपने चारों भी सेंसर, जैसे कि देख सकते हो आप। अभी दोस्तों आगे की वायरिंग करना बाकी है, जो कि डिस्प्ले की वायरिंग है, तो वो उसके लिए दोस्तों हमें पीछे वाला पैनल खोलना होगा। तो चलिए दोस्तों दिखा देते हैं कौन सा पैनल है वो पीछे वाला, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। अभी भाई खोल रहा है, खोलने के बाद दिखाते हैं दोस्तों आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से अपन ने पीछे वाला पैनल खोल लिया है, तो इसे दोस्तों थोड़ा सा ही खोलना होता है, और इसे ध्यान से खोलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक होता है। तो अभी दोस्तों इसकी पूरी वायरिंग करते हैं यहाँ से, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ अपनी वायरिंग है 4 सेंसर की, जैसे कि देख सकते हो आप, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये कुछ इस प्रकार से वायरिंग है दोस्तों अपने 4 सेंसर की, मतलब दोस्तों अपनी सेंसर की वायरिंग हो चुकी है, अभी खाली डिस्प्ले की वायरिंग करना बाकी है, वो अपना भाई कर रहा है अभी आगे से, वो भी आपको दिखाएंगे।
ये कुछ इस प्रकार से वह इसकी वायरिंग है। तो यहाँ से अपन ने पैनल खोल लिया जैसे कि आपको पहले बताया था। तो चले दोस्तों अभी दिखा देते हैं आपको। तो ये अपना भाई यहाँ से वायरिंग कर रहा है, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से होते हुए वायरिंग आगे तक चले जाएगी। तो ये कुछ अपना भाई कर रहा है। तो इसकी वायरिंग दोस्तों सादा सिंपल है दोस्तों, वहाँ से डिस्प्ले फिट करना है, जो कि दोस्तों हमने इस साइड से डिस्प्ले लगाया है। आप चाहे तो दोस्तों ड्राइवर साइड से भी डिस्प्ले लगा सकते हो। तो अभी दोस्तों वायरिंग होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से अपना वायरिंग हो चुकी है, यहाँ पे डिस्प्ले भी लग चुका है दोस्तों। अभी दोस्तों स्टिकर लगाना बाकी है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप, अभी यहाँ से भाई अपना वायरिंग कर रहा है। तो यहाँ से वायरिंग होते हुए दोस्तों पूरी ये पैनल तक जाएगी, जो कि ये कुछ अपना पैनल है जैसे कि देख सकते हो आप। तो चलो दोस्तों प्रॉपर वायरिंग होने देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आगे से दोस्तों अपन ने वायरिंग कर ली है, तो अभी अपना भाई वायर निकाल रहा है। तो ये कुछ दोस्तों अपना डिस्प्ले का वायर जैसे कि देख सकते हो आप। तो वहाँ से आगे से पूरी प्रॉपर तरीके से वायरिंग हो गई दोस्तों। अभी खाली दोस्तों अपने ये टेल लाइट निकाल के वायरिंग करना है। तो दोस्तों अभी ये वायरिंग करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो भाई अभी अपने को यहाँ ये जो बुश है यहाँ पर थोड़ा सा कट करना होगा। तो यहाँ से दोस्तों अपना ये सेंसर का वायर अपने को अंदर डालना होगा, तो इसके लिए अपन ने थोड़ा सा कट मारा है। तो अभी ये वायर डालते हैं दोस्तों, फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी दोस्तों अपन ने ये चारों भी सेंसर के वायर बूश से निकाल लिया जैसे कि देख सकते हो आप। तो अभी ये सभी सेंसर के वायर अपने को अंदर डालना होगा। तो ये दोस्तों आसानी से अभी अंदर चले जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से वायर अपने अंदर से निकल जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो। ये सभी वायर दोस्तों, चारों भी सेंसर के वायर अपने को अंदर लेना है। तो चलो दोस्तों ये प्रोसेस होने के बाद दिखाते हैं आपको। तो ये दोस्तों अपने चारों भी सेंसर के वायर आ चुके हैं जैसे कि देख सकते हो आप। तो अभी दोस्तों अपने को इसके जो मॉड्यूल से पावर देना है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए सेंसर बी सेंसर के वायर आप उसके जगह ही लगाइएगा, ताकि दोस्तों अपने सारे सेंसर प्रॉपर तरीके से वर्क कर पाए। तो इसी तरह दोस्तों हमें अभी सभी सेंसर के कनेक्टर इस मॉड्यूल में लगा लेना है। तो अब दोस्तों हमें जो मेन वायर है वो लगा लेना है, जो कि दोस्तों रिवर्स लाइट का है। तो हम दोस्तों यहाँ से ही इसका कनेक्शन करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ से कट था। तो इसी कनेक्शन में हम इसका वायर जोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों सेंसर के जो रिवर्स वायर होता है उसमें दो कनेक्शन होते हैं, मतलब दो वायर होते हैं, वो एक रेड वाला एक ब्लैक वाला। रेड वाला मतलब दोस्तों रिवर्स लाइट का होता है, जो कि दोस्तों रिवर्स लाइट में लग जाता है, और जो ब्लैक वाला है वो अर्थिंग को लगता है दोस्तों। अर्थिंग या ग्राउंड आप काय में भी दे सकते हो। तो जैसे कि अपना भाई कर रहा है यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हो आप। तो ये दोस्तों अपना एक रिवर्स लाइट में गया, एक बार आपको उधर से दिखा देता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से। और ये जो ब्लैक वाला है वो हम अर्थिंग पे जोड़ देंगे, जो कि इस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों ये कनेक्शन होने के बाद दिखाते हैं आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो भाई अपन ने रिवर्स लाइट की वायर यहाँ से डाल लिया जैसे कि देख सकते हो आप। अब ये दोस्तों डायरेक्ट अपने को मॉड्यूल में लगाना होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ये मॉड्यूल में लग जाएगा। तो ये हो चुकी है दोस्तों अपनी वायरिंग पूरी, जैसे कि देख सकते हो आप। अभी दोस्तों इसे पूरी तरीके से पैक करके हमें ये पैनल के अंदर ही इसे स्टिक करना होगा। तो ये करते हैं दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं, और आपको चेक करके भी दिखाएंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों फाइनली अपन वहां से आ चुके हैं, अभी दिखा देते हैं आपको सेंसर। तो कुछ दोस्तों इस प्रकार से अपना सेंसर लग चुके हैं जैसे कि देख सकते हो आप। ये कुछ इस प्रकार से चारों भी सेंसर लग चुके हैं। चलिए दोस्तों अभी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं।
तो अभी तो फिलहाल मेरे पास अपडेट नहीं है दोस्तों, ये पेड़ है इस पर ही टेस्ट करके दिखाते हैं आपको। तो अभी फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं कार को, ये हो चुकी है स्टार्ट। और डिस्प्ले अपना ये है जैसे कि देख सकते हो आप, ये रहा अपना डिस्प्ले। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा कंजेक्शन एरिया है, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आपको आगे वाले पेड़ के पास दिखाते हैं, तो अपन चलते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ इस प्रकार से ये पेड़ है, तो यहाँ दिखाएंगे अभी आपको। तो यहाँ से अपन थोड़ा घुमा लेते हैं कार को। तो ये कुछ इस प्रकार से वहाँ पे डिस्प्ले लगा है। अभी पीछे पेड़ है अपने जैसे कि देख सकते हो आप, तो अभी लेते हैं रिवर्स। तो जैसे कि देख सकते हो आप स्क्रीन पे, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप स्क्रीन पे 9 मीटर दिखा रहा है। अभी और पीछे ले गए अपन, दोस्तों कंटिन्यू बज रहा है ये जैसे कि देख सकते हो आप। अब दोस्तों ये कंटिन्यू बज रहा है, अब देखते हैं दोस्तों पीछे जाके। तो अपन न्यूट्रल कर लेते हैं, तो अब देखते हैं दोस्तों पीछे जाके कितनी गैप बचती है। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, ये इतनी कुछ गैप बची है, ये इसके कारण, ये झाड़ियों के कारण ये बज रहा है। तो इतनी गैप है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। तो अभी दोस्तों आपको आगे वाले जो पेड़ है उस पर दिखाते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा छाव भी है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे धूप इधर साइड से आ रही है, तो आपको बराबर डिस्प्ले दिख नहीं रहा होगा, तो वहाँ जाके दिखाते हैं आपको। तो ये कुछ पेड़ है यहाँ पे दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि अपन ने अभी यहाँ लगा लिया है कार को, तो पीछे पेड़ है अपने और बाइक भी है जैसे कि देख सकते हो आप, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अभी लेते हैं रिवर्स। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा है 1.3, मतलब 1 फुट 3 मीटर पर ये दिखा रहा है। और लेते हैं दोस्तों पीछे, तो ये कुछ इस प्रकार दिखा रहा है दोस्तों 0.4 मीटर। तो ये जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, ये रेंज दिखा रहा है इसका कुछ इस प्रकार से। अभी ऐसे हम न्यूटन कर लेते हैं, तो ये अभी पूरा रेंज दिखा रहा है। अभी देखते हैं दोस्तों अपने कार और जो बाइक है, तो जैसे कि देख सकते हो पीछे में बाइक है, उसका गैप देखते हैं दोस्तों अभी कितना मेंटेन है, तो आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप, ये कुछ इस तरीके का गैप मेंटेन हुआ है इसमें। अभी पूरी तरीके से गाड़ी चिपकी नहीं है जैसे कि देख सकते हो आप, तो आपको उस साइड से भी दिखा देता हूँ। यहाँ भी जैसे कि देख सकते हो, यहाँ भी पेड़ है, तो ये सेंसर ने भी मैच किया होगा, और ये तो यहाँ का सेंसर है। तो जैसे कि देख सकते हो आप, तो इस प्रकार से दोस्तों ये वर्क करता है। और इसको डालने का कारण है दोस्तों, एक मेन कारण है जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ हमारी कार लगी थी, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे क्रैशेस है, ये अपनी कार पीछे से लगी थी, उस कारण से हमें ये डालना पड़ा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतने था, और जल्दी हम इसका कैमरा का भी वीडियो लाने वाले हैं, हम इसमें कैमरा भी इंस्टॉल करने वाले हैं, वो चैनल पे बने रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।